तो फाइनली मैं नीट 2022 के फिजिक्स पेपर के आंसर की रिवील कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा ना, तो इसमें आंसर की रहेगी और साथ में मैं चैप्टर वाइज एंड डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस करूंगा हर एक क्वेश्चन का ना। तो क्विक है, क्विक वीडियो है, और इसी के साथ दो क्वेश्चन में करेक्शन था वो बता दूंगा, एक अजीब सा क्वेश्चन था वो भी बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन से था, है ना। मॉडरेट में इसलिए डाला है क्योंकि अगर तुम्हें सही फॉर्मूला याद ना आए तो इसको सॉल्व करने में समय लग सकता है ना। बाकी इसका जो आंसर है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है ना। दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला सोच लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, तुरंत हो जाएगा उससे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, अडियाबेटिक प्रोसेस पूछ रहा है ना, वो सेकंड है। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था, ये तुम्हारा इजी क्वेश्चन है ना, पर सेकंड ऑप्शन सेकंड नहीं है, फोर्थ है। कई बार इन चीजों में भी गलतियां कर देते हैं लोग, याद रखना। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स से, है ना, इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है। नाइन्थ का बच्चा, टेंथ का बच्चा भी कर देगा, नाइन टेंथ का बच्चा, फाइव डायरेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा रोटेशन से रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो पूछा हुआ, इजी क्वेश्चन है ना, इसका देख लो क्या आंसर है, फोर्थ है ना, अपन सॉल्व बाद में करेंगे ना। ठीक है, ये आंसर की है मेरी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच करेंगे 90 डिग्री, सीधा सीधा अगेन इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आगे बढ़ते हैं, है ना। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास 10 kg 20 kg सेंट्रो मास के फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, 20/3 इसका आंसर है, इजी क्वेश्चन सेंट्रो मास से। ठीक है, चलो आ जाओ। रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, भाई नाइन्थ क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको, इसका सीधा सीधा ये आंसर है, इजी क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स है। हाँ, ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगेगा बड़ा खतरनाक सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना, और सारे नोट्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नोट्स के ना, एक दो क्वेश्चन है जिनमें हल्का सा बस सोचना है, पर क्वेश्चन बाकी सारे नोट्स से सीधे हैं, बाकी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, बाकी में तो सीधे क्वेश्चन है, मतलब सीधे क्वेश्चन नोट्स के। स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करा है विस्कोसिटी में, तो भाई टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे अटेंड होती है, तो ये वाला ग्राफ दिख रहा है, बी फोर्थ हो गया। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, बस नाइन्थ क्लास की काइनेमेटिक्स ऑनेस्टली, इजी क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन से है ना, इसका आंसर देख लो भी क्या, फोर्थ है, फोर पाए करेंगे अपन सॉल्व। वेव ऑप्टिक्स है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगेन, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर टू है तुम्हारा, टू मतलब ये 12 है ना, करेंगे अपन इसको, है ना। ठीक है, मैच द मैट्रिक्स में आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान यार, है ना, तुम्हें सारे भी सॉल्व नहीं करने होते, एक दो सॉल्व करने होते, अगर चार नहीं आते ना, एक दो भी आ जाते हैं तो भी तुम्हारा आंसर हो जाता है ना। ठीक है, इसका आंसर है तुम्हारा सेकंड, ये है, अपन सॉल्व करेंगे आगे जाके। मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडरेट लेवल पे इसलिए डाला है क्योंकि मैच द मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया है। अच्छी बात यह है फिजिक्स और एक्स मटेरियल की, है ना, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, यही रीजन है कि हमारे बहुत सारे बच्चे अराउंड 3 स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 लेके आ रहे हैं ना, और अराउंड 7 170 प्लस ला रहे हैं, बाकी धीरे धीरे मैसेजेस आते जा रहे हैं हमारे पास, है ना। तो क्योंकि यार हमारे मॉड्यूल में तुम देखो कि हर चैप्टर में मैच द मैट्रिक्स है, नीट के लिए हमने स्पेशली डाल दिए थे, पिछले साल से हमने डाल दिए थे हर चैप्टर में, जो हमारी एक्सरसाइज 3 होती है ना। ठीक है, एक्सरसाइज 2 सेक्शन बी के लिए रहती है ना, और बाकी तो ठीक है। सीधा यार डी ब्रोई वेवलेंथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का आंसर इज 2, है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है ना। ठीक है, ये क्या है, वेन लाइट मीडियम, वी इज द वेलोसिटी, एप्सिलॉन द रिलेटिव एनर्जी, इजी है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है तुम्हारा, अगेन इसका आंसर तुम्हारा 2 है ना, वेलोसिटी पूछ रहा है, कर लेंगे अभी। सो बबल एक्सपेंस तुम्हारा फ्लूड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, आंसर इज 3, डिक्रीजेस, सीधा फॉर्मूला है ना, करेंगे ना। और ग्रेविटेशन का इजी क्वेश्चन है अगेन, है ना तुम्हारा, है ना, फोर्स बाय मास से कुछ नहीं करना, फोर्स बाय मास, क्या आंसर है तुम्हारा, फोर्थ, 50 न्यूटन पर किलोग्राम, है ना। चलो फिर तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो अगेन तुम्हारी वो है प्रोटोन न्यूट्रॉन में डिके करता है, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, तो आंसर तुम्हारा ये है 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन अगेन। बोर मॉडल का फिर से इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का, सीधा सीधा रेशो निकालना है और कुछ भी नहीं करना, एनर्जी का रेशो है ना, तो रेडियस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आंसर इज 2, इजी क्वेश्चन अगेन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे ना। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, जो बच्चे नीट 2023 के ड्रॉप ले रहे हैं उनका नया बैच आ रहा है, सुपर अचीवर बैच, ये वही बैच है जिसके स्टूडेंट्स इस बार 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पा रहे हैं फिजिक्स में, कई स्टूडेंट्स 700 प्लस भी ला पा रहे हैं ना, बाकी एग्जैक्ट में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। बाकी आज हमने जो सेशन लिया तो उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे ना, तो ये बैच 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें तुम्हें सारे कोटा के टॉप टीचर्स मिल रहे हैं, है ना, सुपर अचीवर के 2 सक्सेसफुल ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी कोई इस बैच के बारे में डिटेल में जानना चाहता है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अगर 17 से 22 जुलाई के बीच में सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हें 20% का ऑफ मिलेगा ना, तो 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन इतने का होगा, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन इतने का होगा। ठीक है, 20% ऑफ रहेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी बच्चे फिजिक्स लाइव कोड यूज करेंगे है ना, उससे 20% ऑफ तो है, साथ में तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होगी ना। इस ग्रुप में जो फिजिक्स कॉलेज में 9 फिजिक्स टीचर्स है ना, 16 आवर्स तुम्हारे डाउट चलते हैं, और सारे के सारे टीचर्स, कोई भी ट्रेनिंग टीचर नहीं, सारे ऑल ऑफ दीज टीचर्स आर टीचिंग इन द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया ना। ठीक है,
तो बाकी इसके बारे में भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा ना, मतलब लिंक मिलेगी, उस पर देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो डिटेल में पता चल जाएगा। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर किसी की भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है ना, कोई भी क्वेरी है ना, ठीक है चलो। एंड द कोड इज फिजिक्स लाइव, कोड इज फिजिक्स लाइव, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत आ गया था ना, ठीक है बता भी देंगे क्यों गलत है ना। तो मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन तुम्हारा, गलत है तो आंसर का मतलब ही नहीं, बाकी है ना बोल सकते हैं, सेकंड आंसर बोल सकते हैं अगर गलत तरीके से सॉल्व करें, बनना बाकी क्वेश्चन गलत है बोनस होगा ना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सेकंड मार के आना है, क्यों मानना है वो अपन डिटेल सॉल्यूशन में देखेंगे, है ना। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इजी क्वेश्चन है ना। इसका आंसर 90 डिग्री आई गेस, हाँ 90 डिग्री है। शेल ऑफ मास बिल्कुल ही फर्जी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सेंट्रो मास का है ना, 2√2b। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, हाँ ये अगला गलत क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना ठीक है। बाकी एग्जाम में तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें आंसर 4 मार के आना है। ये आंसर चार्ज को पॉजिटिव मान के निकाला गया है, ऑल दो उन्होंने चार्ज को मेंशन नहीं कराया ना, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है ठीक है। तो इस पर बोनस के चांसेस नहीं है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव मानोगे तो आंसर 4 आएगा, बाकी क्वेश्चन गलत था है ना। क्योंकि अगर चार्ज को नेगेटिव मान ले तो आंसर 3 हो जाता है, पर जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें ध्यान रखना है ना, अपन को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर देंगे ना। एग्जाम में सही ऑप्शन नहीं ढूंढा जाता, एग्जाम में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22nd टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, ऐसा क्वेश्चन है मतलब ये आते ही रहते हैं ना, ये इजी क्वेश्चन सेमीकंडक्टर, नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है। वेलोसिटी का रेशियो पूछा है ना, 10 थीटा का रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना, सेकंड है इसका आंसर है ना, इजी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स। तो ये सेक्शन ए चल रहा है ना, स्क्वायर लूप ऑफ साइड है, अगेन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 4 आंसर इज 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सेकंड है ना, सेमीकंडक्टर से आसान ही, मॉडरेट थोड़ा बोल सकते हैं अगर थोड़ा कोई दिमाग नहीं लगा, बाकी आसान है ना, मॉडरेट में डाल दिया ना, फिर भी कुछ तो डालना ही पड़ेगा, ऐसे तो वरना नीट का हर क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा, कुछ तो डालेंगे ना मॉडरेट और डिफिकल्ट में। हाँ भाई, और ये भी है कुछ नहीं आसान है, इलेक्ट्रिकल करंट का है, 10^5 है आई थिंक इसका आंसर। हाँ भाई, ये भाई वर्क पावर एनर्जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, मतलब ठीक है फोर्स इंटू वेलोसिटी करना है, आंसर बने इसका आई गेस, हाँ बने। और भाई मैग्नेटिक फील्ड मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, ये भी अच्छा खासा, मतलब मॉडरेट में डाल सकते हैं ना, थोड़ा सा सोचने का था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 करंट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है ना, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मैक्सिमम के आंसर 1 आ रहे हैं, तुमने देखा, पता नहीं के ऊपर 1 आ रहे हैं मैक्सिमम के, ठीक है इस ये जो भी मतलब कोड है, मतलब जो भी पेपर है ठीक है। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम 200 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, हाँ अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है ना, मतलब ठीक है। इलेक्ट्रिक 4 इसका आंसर, 4 करेंगे बस सॉल्व। इसमें मॉडरेट में इसलिए डाले क्योंकि ध्यान ना दो तो जल्दबाजी में गलत हो सकता है, अगर I² R वाला फॉर्मूला लगा दो तो जल्दबाजी में गलत हो सकता है, बाकी आसान क्वेश्चन है इसलिए मॉडरेट में डाले क्योंकि सिली मिस्टेक के चांस हैं और एग्जाम में प्रेशर होता है तो सिली मिस्टेक के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। चलो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है भैया ना, ईजी है तुम्हारा, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली, और एक कम्युनिकेशन गलत डाला है, ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन, 9th क्लास का क्वेश्चन है यार, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम है ना, टॉपिक गलत डाला है, पावर इनटू टाइम, तो इसका आंसर है तुम्हारा 3 है ना, 36 × 10^7 जूल। ओके चलो, ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस बिल्कुल आसान है, मैग्नेटिक फील्ड का इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर है तुम्हारा 4 देख लो है ना, जिसका जो भी कोड है मैच करते हुए चलो ना ठीक है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का भाई बच्चा बच्चा जानता है, यूनिट होते हैं पर डायमेंशन नहीं होते, इजी क्वेश्चन यूनिट से डायमेंशन है ना, यूनिट से डायमेंशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई बार बताई गली बात है ना, और सारे आसान होते हैं मतलब अगर यूनिट से डायमेंशन पढ़ा है तो पेपर सॉल्व होने होना है, मतलब उसके क्वेश्चन तो होनी है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तुम्हारी 6 हर्ट्ज़ है ना ठीक है, ईजी सेमी कंडक्टर अगेन। पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्सेज 2√RMS, ईजी क्वेश्चन, एसी सर्किट है ना, एसी सर्किट का ईजी क्वेश्चन है। इफ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेस वेव, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग का है ना, वेव्स ऑन ए, आंसर इज 1, फॉर्मूला है बस V=√T/μ, 2 pendulum length 121 cm, अगेन है बस LCM का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था SHM का, इसलिए अपन ने मॉडरेट में डाल दिया, आंसर इज 11, आंसर इज 11 है ना, मॉडरेट लेवल पर डाल रखा है ना, बाकी LCM निकालना आना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्टेड विथ 60 डिग्री है ना, इसमें गलती हो सकती है क्योंकि एंगल वर्टिकल से दिया है, तो तुम्हें ध्यान रखना है अपन जो फॉर्मूले आ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल से रखते हैं ना, बाकी आसान क्वेश्चन है, आंसर 5√3 m/s 4 है ना, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा, ये डिफिकल्ट है, अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना ये, इसमें मैंने बहुत डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बना के डाल दिया है ना, देख लेना मेरे चैनल पे है ना, पूरा बना दिया है ना। तो ये पोस्ट ऑफ एक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसका आंसर बने, पूरा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन डाला, पूरा ढंग से एक्सप्लेन कराया, फील आ जाएगा पूरा, देख लेना। 2 पॉइंट जाते भाई, डाइपोल का क्वेश्चन है, 1/r³ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इजी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, स्टेटमेंट 1-2 पे डाल दिया है ना, तो ठीक है ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा क्वेश्चन था है ना, बाकी तुम थोड़ा दिमाग दो कर सकते हो ठीक है, डिफिकल्ट में डाल रखा है, बाकी अपन डिस्कस करेंगे, आंसर इसका बने, आंसर इसका बने है ना, असर्शन सही है तुम्हारा, रीजन गलत है, असर्शन सही है रीजन गलत है, डिस्कस करेंगे क्यों।
है ना। पर ठीक है, देखो समझो, यहाँ से 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, तो इसमें 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, वो तीनों छोड़ देने थे, उनमें से एक क्वेश्चन ही है छोड़ना था, तुम्हें 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे ना, तो ये तो छोड़ने का क्वेश्चन था। एग्जाम में तो टेंशन नहीं, इसलिए एग्जाम में 180 आओ तो 180 लाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी इस पेपर में, है ना। और बहुत सारे बच्चे 160 प्लस लेकर आ रहे हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट्स है ना 170 प्लस लेकर आ रहे थे सारे बच्चे, है ना, क्योंकि तुम्हारे नंबर जा रहे तो सिली मिस्टेक वगैरह में जा रहे, बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। जिसने पढ़ा था, जिसने नोट्स रिवाइज भी कर लिए ना, तुमने 15-20 बार तो होना था खत्म, कोई बड़ी एक कैलकुलेशन इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं है यार पूरे पेपर में, कैलकुलेशन ही नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का, है ना। आई थिंक इसका आंसर ये है, देख लेते हैं बाकी निभाने इसका आंसर, है ना, करेंगे सोल्व, है ना। अच्छा भाई, मैथ्स मैट्रिक्स है इसलिए मॉडरेट में डालती है, बनना आसान है, यूनिट एंड डायमेंशन की मैथ्स मैट्रिक्स है, इसका आंसर 4 है, सारे नहीं एक दो सॉल्व कर लो हो जाता है ना, एक दो ऑप्शन सॉल्व कर लो उसी हो जाता है आंसर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रायंगल सिग्निफिकेंट फिगर का है भाई, दो ही होंगे, क्लियर दिख रहा है, तो आंसर ये है सिग्निफिकेंट, ईजी है ना, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, ठीक है अपना यूनिट एंड डायमेंशन का ही है ना। EMI का मॉडरेट लेवल पे देखेंगे जो भी क्वेश्चन, अभी 1 एम्पियर है ना। ट्रांसपेरेंट मीडिया ये भी आसान है, मॉडरेट है ना, मॉडरेट लेवल पे डाल दिया है ना, इसका आंसर है 4, साइन इनवर्स दिस है ना, क्रिटिकल एंगल पे दो कॉन्सेप्ट यूज होने उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से दोनों, ये बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, AC का सीधा फॉर्मूला। कैपेसिटर का ये भी है, मतलब आसान ही है ना, पर ठीक है मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी स्टेप लग रही थी इसमें ना, इसलिए मॉडरेट में डाल सकते हैं, ठीक है इसका आंसर है तुम्हारा 1। मैग्नेटिक फील्ड का इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, ठीक है ये बिल्कुल आसान है भैया ना, सीधा फॉर्मूला है, वायर के अंदर और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, आंसर इज 1, वायर के अंदर बाहर के ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ये डायोड का है ना, अगर आता है तो आसान है, बाकी मॉडरेट में डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करना था ना, एक बार 0-0 डाल दो, एक बार 0 बने या 1-1 डाल दो, दो बार में जनरली आंसर आ जाता है ना, तो मॉडरेट लेवल का इसका आंसर है 1, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड KTG का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, है ना, कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है 2। इसमें मॉडरेट में इसलिए डाले, क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, मॉडरेट में इसलिए डाले क्योंकि सिली मिस्टेक के चांसेस होते हैं ना, तो मैंने उस हिसाब से पूरा डिजाइन कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद भाई देखो किस चैप्टर में कितने तुम्हारे ईजी आए, कितने मॉडरेट आए, कितने डिफिकल्ट आए, वो पूरा मैं एनालिसिस करके भी एक वीडियो डालने वाला हूँ, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो कल डालूंगा, ठीक है। उसमें पूरा मतलब डिफिकल्टी वाइज पूरा क्यूमुलेटिव एनालिसिस है, उसमें 3 साल का कंपेयर करेंगे, 2020 का, 2021 का, 2022 का, है ना, चैप्टर वाइज डिफिकल्टी वाइज, है ना, और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, ये बैच आ रहा है भाई, है ना, जितने भी नीट 2023 टॉपर है, अगर तुम्हारा टारगेट है कि कोटा के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ना है, जो बच्चे कोटा गए थे ऑलरेडी नो अबाउट देम है, तो 20 जुलाई को आ रहा है, फिजिक्स लाइव कोड यूज करके तुम इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ना, दैट इज माय रेफरल कोड, और बाकी वीडियो इस वीडियो में एक लिंक है ना, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है इस बैच के बारे में, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, पूरा स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ बता रखा है इस बैच के ना। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुम मुझे इस पर सीधा मैसेज कर सकते हो, है ना, और दी ज्यादा नंबर्स ऑफ माई मैनेजर्स, इस टाइम पे तुम सीधा कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके तुम्हारी जो भी क्वेरी है पैनल वगैरह की तुम क्लेरिफाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, है ना, और कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी भाई कोई इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहा है तो उस समय हमारे कौन से नए बैचेस वगैरह आ रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ना। बाकी अनअकैडमी पे मेरी हर रोज लगभग फ्री लाइव क्लास होती है जिसमें आके तुम मुझसे बात कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलो भाई बाय गाइस, है ना, फिर अब अपन थोड़ी देर में डिटेल सॉल्यूशन करेंगे इसके।